एक तिहाई सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? सरकार ये भूल गई कि देश की आधी आबादी घर भी चलाती है, सत्ता भी चला सकती है, काम भी करती है और वो इंटेलिजेंट है। उनके साथ और कॉर्पोरेटर्स और काउंसलर के साथ हमने मीटिंग्स करके पूरा लायअमल बनाया है। क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें और फिर वाई नॉट डिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। वाकई में महिला आरक्षण करना चाहते तुरंत, अभी जो 5 चुनाव होने वाले हैं उसमें और 2024 के जनरल इलेक्शन में आप महिला आरक्षण लाइए। अगर जम्मू कश्मीर की 50% की आबादी ने नोटा दबाया, एक तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस स्टूडियो में और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी और आज हम इनसे सवाल करने वाले हैं। वो सीधा लिंक रखते हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव से जिनकी अभी तक तारीख निष्कर्ष नहीं निकला है और दूसरा जो लिंक रखते हैं सीधे इलेक्शन 2024 से। तो सबसे पहले तो हम सर का स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। सर आपका स्वागत है, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया स्टूडियो में। और आपसे जो हमारा सबसे पहला सवाल है कल की बैठक को लेकर के है, जो भाजपा की जो बैठक हुई है दिल्ली के आवास पे, गृह मंत्री के आवास पे, तमाम जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेताओं को बुला करके और जम्मू कश्मीर का आगामी चुनाव जिनका खाली कयास लगाया जा रहा है लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला है अभी तक, तो उस पर आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग भी शेड्यूल नहीं थी, उनको बुलाया गया, तलब किया गया और इस मीटिंग में चर्चाएं की गई कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कहाँ इस वक्त स्टैंड रखती है। क्योंकि आपको बताते चले कि इस वक्त बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर के पब्लिक में नाराजगी है, जैसे मुकेश आप भी जानते हैं, पहला प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, फिर स्मार्ट मीटर की बात करें और कुछ डेली वेजर्स के इशू हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, टोल प्लाजा का इशू है, उनको लेकर के कहीं ना कहीं ह्यूमन क्राइम मचा हुआ है और ऐसे में अर्बन लोकल बॉडीज़ का टेन्यूअर ख़त्म होने वाला है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए इन्होंने जो सीटें रोटेट करनी होती हैं उस पर प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट मतदाता सूचियों में जो संशोधन करना था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये आंकलन करने के लिए बैठक को बुलाया गया था कि क्या इस वक्त ठीक रहेगा कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव करवा लीजिए। मेन मकसद उनका यही था कि लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में क्या पोजीशन है और कितना काम किया गया है। कुल मिलाकर के मीटिंग इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मीटिंग चुनाव की तारीख के लिए कम थी, इस बात का आंकलन लगा रही थी कि कौन से मुद्दे हैं जो भाजपा को लोकसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर चुनाव में बैकफुट पर ढकेल सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, हर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली जिनसे हमने बातचीत की उनका ये कहना था कि गृहमंत्री अमित शाह जो मीटिंग ले रहे थे वो काफ़ी सुबह 4 बजे ही बैठ चुके थे, तो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते हैं या फिर स्टेट्स होती है वहाँ के जो कोर ग्रुप है उनके साथ मुलाकात कर रहा था और विस्तार से चर्चा की जा रही थी। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने बड़ा होमवर्क किया हुआ था, जो स्टेटमेंट्स बीजेपी के लोग देते हैं, जो स्टेटमेंट सूट नहीं करती हैं वो भी बाकायदा लिख कर रखी हुई थी और चर्चा की गई कि वहाँ पर लोकसभा के चुनावों में कैसा रुझान पब्लिक का रहेगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। और इस तरह की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के ही लोग करते हैं और ये कुछ जो खामियां थी, कुछ जो अच्छा काम किया गया था उस पर भी चर्चा की गई और जो खामियां थी उस पर लताड़ा दिया फैक्ट में। तो इस पर जो मेरा ये सवाल जो बनता है अगला कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम नेताओं से आपके मतलब बातचीत होती रहती है, आपके पास सूत्रों से खबर आती रहती है, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है मतलब अपने बिहाफ पे कि जितने भी तमाम मुद्दे हैं जो भाजपा पार्टी को इस वक्त दबाव में डाल रहे हैं, तमाम बैठकें हो रही हैं, कि उसका कुछ निष्कर्ष निकल के आ सकता है? डेफिनेटली, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि सारी कंसंट्रेशन 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के ही है। उन यानी यूनियन गवर्नमेंट के लिए ये मायने नहीं रखते कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव कब हो रहे कब नहीं हो रहे हैं, इसको डिले भी किया जाता है, जैसे पंजाब सरकार ने डिले कर दिया है, उनको लगता है कि उसका नुकसान जो है लोकसभा के चुनाव में हो सकता है, यहाँ पर भी डिले किया जा सकता है। लेकिन जो J&K भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के लोग गए थे उनसे जब पूछा गया कि क्या आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने कहा कि वी आर रेडी फॉर द शो, लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पहले हमारे 50 सीटें हैं, कुछ जीती हुई हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो 50 नहीं आ पाएंगी, अलबत्ता हम इस पोजीशन में रहेंगे
कि जम्मू नगर निगम में वर्चस्व जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा। जो सोर्सेज बताते हैं उन्होंने कहा कि 36 से 37 सीटों पर हम कुछ ना कुछ अपने कैंडिडेट जितवा लेंगे। 36 से 37 आते हैं तो वो सरकार बनाने की यानी जेएमसी में अपना वर्चस्व बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे, आपने अपना रख लिया, क्योंकि उनकी अपनी फीडबैक रहती है, गृह मंत्रालय की अपनी फीडबैक रहती है। और जो सच भी ये है कि कहीं ना कहीं अर्बन लोकल बॉडीज़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है उसका सीधा असर जो है लोकसभा के चुनावों पर पड़ता है, ये तो आपको नहीं। उसमें मैं आपको एक सिलसिलेवार चीज़ें बताता हूँ कि सपोज मैं और आप दोनों भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें वार्ड नंबर 8 में दोनों रहते हैं, मुझे टिकट दे दी गई, आपको टिकट नहीं दी गई, आप नाराज होकर के इंडिपेंडेंट खड़े हो, आपने वोट तोड़ दिए, मैं हार गया, ठीक है। फिर आगे आपके इलेक्शन आने वाले लोकसभा के, उस व्यक्ति को जिसको टिकट नहीं दी गई थी उसको मनाने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं, तब तक लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। वो क्यों लेंगे रिस्क, सीधी सी बात है, रिस्क क्यों लेंगे अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवा करके। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा डिले करेंगे, डिले इसलिए करेंगे कि कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं इस वक्त, ये जो बीजेपी है या NDA जो अलायंस है वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता कि लोकसभा के चुनाव को लेकर के किसी तरह का जोखिम लिया जाए। अगर हम बात करें पंचायत की, पंचायत नॉन पार्टी बेस पर है, नॉन पार्टी बेस पर चुनाव होते हैं तो उसमें इधर उधर हो जाता है कि ये हमारी पार्टी का था, वो पार्टी का था, जब पार्टी का नाम ही नहीं आना तो बाद में किया जा सकता है। लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये कैंडिडेट बीजेपी का था, ये हारा है, हारने के बाद या जो जीतता है उसका मनोबल बढ़ जाता है, एक मैसेज आता है कि हम भाजपा को भी हरा सकते हैं, इस पोजिशन में है। इसलिए जो गणित उनका बैठ रहा है इसी के इर्द गिर्द बैठ रहा है कि रोक लेना चाहिए चुनाव को फिलहाल, यही सियासी सूझबूझ कहती है कि फिलहाल अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनावों को रोका जा सकता है। और मुझे लगता है कि इसी पे काम किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी का है वो लोकसभा है। पिछली बार 303 सीटें ली थी, अब ये 300 ज़्यादा सीटें लेना चाहते हैं, या फिर अलायंस जो लगातार एक्टिव होकर के यूनाइट होकर के काम कर रहा है उसका भी थोड़ा प्रभाव रहेगा, ये हमें मान के चलना चाहिए। तो इस बात से मैं आपकी इस बात से मतलब एग्री हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने इसको डिस्क्राइब किया कि जो भाजपा जो है वो अब तक जो टाल मटोल जो कर रही है चुनाव को लेकर के वो रिस्क नहीं लेना चाह रही है, यानी कि वो छोटे चुनावों का जो असर पड़ता है वो साफ तौर पर बड़े चुनावों को देखने को मिलता है, और अंदर की जो मतलब नेतागिरी जो नेता जो है उनको टिकट देने का जो वितरण जो होता है उस पर भी वो किसी भी तरीके की गलती नहीं करना चाहती है। मेरा अगला सवाल है आपसे कि जो संसद के विशेष सत्र में वुमेन रिजर्वेशन बिल पर जो पास हुआ है अभी, इसका फायदा मिलेगा लोकसभा में भाजपा पार्टी को? ये सवाल उस मीटिंग में भी पूछा गया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सवाल यह है कि जब आपने ये बिल पेश किया, बिल पास करवाया और उसमें लिखा कि 2029 में इसको लागू किया जाएगा, तो जो नेता थे उनका कहना था स्वाभाविक सी बात है 5 साल भी बकाया है इसलिए महिलाएं इतनी उत्साहित नहीं हैं। लेकिन उनको कहा गया कि आप महिलाओं के बीच में पेनिट्रेट कीजिए और उनके साथ बातचीत के दौरान वीमेन रिजर्वेशन की बात कीजिए, क्योंकि कांग्रेस के पास बड़ी मर्तबा 2/3 मेजॉरिटी भी थी 1984 में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की एसेसिनेशन हुई, उसके बाद से जब राजीव गांधी आया तो मुझे लगता है 414 सीटें थी, तब वो चाहते तो एक मिनट में वीमेन रिजर्वेशन बिल पास कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, उसके बाद भी भरसक प्रयास होते रहे लेकिन पास नहीं हुआ, इस गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया है तो स्वाभाविक सी बात है क्रेडिट तो जाता ही है, और क्रेडिट लेना है उसको वोट में तब्दील करना है, ये उनको डायरेक्शन लीडर्स को आई है। दूसरी डायरेक्शन ये भी आई है कि आप लोग ऑफिस में बैठ करके जो OPDs लगाते हैं, आपने देखा होगा कि बीजेपी के ऑफिस जो हेडक्वार्टर है त्रिकुटा नगर में, वहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मर मिनिस्टर बैठते हैं, 2 मिनिस्टर बैठते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, वो अपनी समस्याएं सुनाते हैं, उनका निवारण करने का कोशिश किया जाता है, फ़ोन किया जाता है कमिश्नर सेक्रेटरी को, भले उठाए या नहीं उठाए, या उठाए तो काम होता है या नहीं, ये बात की बात है। अमित शाह ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पब्लिक आपके पास क्यों आए, आपको पब्लिक के पास जाना, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स आपने करने हैं ताकि जो थोड़ी बहुत नाराज़गी उनमें है उस नाराज़गी को पैसिफाई किया जाए, ये एक बैठा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि SC और ST समुदाय आपसे क्यों नाराज़ है,
इसका पता लगाइए, जो हमारे पास फीडबैक आई है, ये सेक्शन जो है 2014-2019 में बीजेपी के साथ था, छाना बिछाना साथ में होकर के उन्होंने हमें लोकसभा में इतनी सीटें दिलवाई हैं, लिहाजा आपने इस सेक्शन पर काम नहीं किया है, इस सेक्शन पर काम करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर एसटी का दिया। आपको बता दें इन्होंने एसटी को इंजीनियर गुलाम अली खटाना है वो उनको राज्यसभा का सदस्य इसीलिए बनाया था कि एसटी कम्युनिटी जो नाराज़ है, खफा है, जो उनको लगता है वो नाराज़गी दूर होगी, लेकिन बकोल अमित शाह जो मीटिंग में जो सोर्सेज बताते हैं उन्होंने कहा कि एसटी कम्युनिटी को आपने रिवाइव करना है, उनके बीच में पेनिट्रेट करना है, ये कहा गया है। तो आपने एसटी का जिक्र करा, मैं इसमें वापस जम्मू कश्मीर पर आना चाहूँगा एक बार कि ये इतने बिल पेंडिंग पड़े हैं कि जिसमें ओबीसी में शामिल किया जा रहा है वेस्ट पाकिस्तानीज को, जाट्स को, सैनीज को, और एससी में शामिल किया जा रहा है वाल्मीकि को, और एसटी में शामिल किया जा रहा है पहाड़ी ट्राइब्स को जी। तो ये जो बिल है ये कब तक पारित होने हैं या और इनसे इनको क्या बेनिफिट मिलेगा और सरकार को क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए पहाड़ी ट्राइब्स से कमिटमेंट हो चुकी है, पहाड़ी ट्राइब्स से कमिटमेंट एक राजौरी में एक बड़ी जनसभा की थी और एक बारामूला में, दोनों को अमित शाह ने एड्रेस किया था और उस में कहा गया था कि जो कानूनी पहलू हैं उन पहलुओं के दुरुस्त होते ही आपको एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा। जब एसटी का दर्जा मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है इनको राजनीतिक रिजर्वेशन भी मिलेगी। इस वक्त तक सिर्फ एसटी के जो चार सेक्शन हैं गुजर, बकरवाल, गिद्दी, सिप्पी, इनको ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल रही थी। जब ये पहाड़ी ट्राइब्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी तो इनका भी, पहाड़ियों को भी राजनीतिक आरक्षण मिलेगा। जब पहाड़ियों को राजनीतिक आरक्षण मिला था, पहाड़ियों ने कमिट किया है एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ, हम उनका सपोर्ट करेंगे, तो वो चाहते हैं कि आने वाले सत्र में जो विंटर सेशन जिसको कहते हैं शीतकालीन सत्र, उसमें ये बिल पास हो जाए ताकि उनको राजनीतिक लाभ मिल जाए। थोड़ा सा डर उनको ये है कि जो पहले से एसटी हैं वो नाराज ना हो जाए, इसी को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि आप इनके बीच में पेनिट्रेट कीजिए, तलाशिए नाराजगी का कारण क्या है और इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है। दूसरी बात हमने ओबीसी या वाल्मीकि समाज की कही, तो इन दोनों के भी बिल वहाँ पर पड़े हैं, और इसके अलावा ओबीसी को यहाँ पर अदर सोशल कॉस्ट कहा जाता है, ओएससी कहा जाता है, अब उसको कन्वर्ट किया जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस में। हाँ, अभी 4% उनको आरक्षण मिलता है नौकरियों में, और हो सकता है कि वो 14-16% भी किया जा सकता है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो बिल है मुझे लगता है कि शीतकालीन सत्र में पास कराने ही होंगे, तभी ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा सकती। तो जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं ये इस बिल पर भी पेंडिंग पड़ती है और ये आखिरी सत्र बचा है, इस वजह से पूरी कोशिश करेगी कि इसको इसमें पास कर ले। अच्छा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार जो होता है वो जनता के मान भाव को बहुत अच्छे से समझता है। अब हम ऑल ओवर इन सवालों के ऊपर अगर थोड़ा सा अलग जाके बात करें तो भाजपा पार्टी को किन चीज़ों पर काम करने की जरूरत है कि जनता उसको एड्रेस करे कि हाँ हम उसको चुन सकते हैं? अगर ये बड़ा कठिन सवाल पूछा है आपने, भारतीय जनता पार्टी पहले से एक ऐसी सियासी जमात है, मैं 2014 के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं था, ये 24/7 इलेक्शन मोड पे रहती है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इन्होंने पन्ना प्रमुख बनाया हुआ है, पन्ना प्रमुख का मतलब होता है कि एक गली का प्रमुख बना दिया हुआ है, ठीक है। मॉनिटरिंग दिल्ली स्तर पर रहती है, पन्ना प्रमुख का भी फ़ोन नंबर दिल्ली से रहेगा, दिल्ली से कोई बड़ा अधिकारी जब पन्ना प्रमुख को फ़ोन करेगा, सपोज मैं अदना साहब वर्कर हूँ, मुझे दिल्ली से फ़ोन आएगा और कहा जाएगा विनोद जी आप कैसे हैं, घर परिवार ठीक है, आपका पन्ना कैसा चल रहा है, उसको उत्साहित हो जाएगा, हाथों उत्साहित हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह कि कुछ ऐसे काम इस सरकार ने किए हैं जो अपने मैनिफेस्टो में थे, मेजर काम वो काम किए हैं, वो पब्लिक रिकॉग्नाइज भी करती है। हर एक सरकार से गलतियाँ होती हैं, महंगाई, बेरोज़गारी है, बाज़ार में मंदी है, उसके बावजूद भी जो ऐसे बड़े काम किए हैं जैसे ट्रिपल तलाक या फिर राम मंदिर का निर्माण और बहुत सारे एन नंबर ऑफ जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना या किस तरीके से, वो इनको एच देंगे। बाकी बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, तब आप ये मीटर वीटर नहीं ले जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हम सुरक्षित हैं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी पहचान है,
इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कद इतना बढ़ गया कि कोई हमें बॉस कहता है, कोई हमें चरण स्पर्श करता है, जो बाइडेन जैसे लोग आकर के यहाँ पे, पहले हमने इतना प्रधानमंत्री का इतना रुतबा नहीं देखा था। मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, ना मेरा उससे दूर दूर तक सरोकार है, लेकिन जो इज्जत, अच्छा ये भी छोड़ दीजिए, आप बात कीजिए कि हमारे जो सिटीजन बाहर से रहते हैं, बाहर उनसे कभी टेलीफोनिकली बात कीजिएगा, अब के जो भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद आप पड़ोसी मुल्क के पास आ जाइए, पड़ोसी मुल्क के लोग भी अब ये चाहते हैं कि हमारे देश, हमारे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति होना चाहिए जो कमान संभाल ले। आप सोशल मीडिया में देखते ही रहते होंगे, उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है, हालांकि वो एक दिन बड़ा है हमसे, ठीक है, वो 14 अगस्त को आज़ाद हुए, हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए, हम छोटे हैं आज़ादी के हिसाब से, और हमारा मुकाम कहाँ है। परवेज़ मुशर्रफ जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट था कल परसों, कह रहे थे कि हम भारत को देखते हैं तो वो चांद पर चले गए हैं, G20 का सम्मेलन करवा रहे हैं और सफल हो रहा है, और हम जो है भीख का कटोरा लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, हमें सोचना होगा। तो आप ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे करेंगी। दूसरा, इनका जो कंपेन करने का स्टाइल रहता है वो कुछ हटके ही रहता है। ये मेरा जो अनुभव है, DDC के इलेक्शन थे, आप मानोगे, स्मृति ईरानी से मैंने मिलना था तो उसने मुझे कितने बजे का टाइम, 6:30 बजे का, सुबह 6:30 बजे का टाइम दिया, तब सर्दियाँ इतनी ज़्यादा थी, रेडी है, इंटरव्यू करना था मैंने, कब उठी होगी, कब तैयार हुई होगी, और उसको उधमपुर जाना था, रियासी जाना था, 4 है। अनुराग ठाकुर ऐसे ही, जब ये मेहनत करते हैं तो बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, और इनकी मेहनत, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ बता रहे थे लोग जो कोर ग्रुप के थे, कि गृहमंत्री 4 बजे ही सुबह बैठ गए थे, तो ये मुझे लगता है वर्कर भी इनके डेडिकेटेड होते हैं। और दूसरा ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लोग राहुल गांधी की तुलना उनसे नहीं कर सकते, आप भी तो पत्रकार हैं, आपको लगता है कभी कि राहुल गांधी और उनकी तुलना एक साथ की जा सकती है? तो ये कुछ अभी राहुल गांधी के एक मतलब पिक्चर वायरल हुई थी, उसमें वो सूटकेस लेकर के सर पे घूम रहे हैं, वो पहिए वाला है, तो उसी को मतलब अमित शाह जी ने काउंटर करा कि जिस पार्टी का नेता पहिए वाला सूटकेस सिर पे लेकर घूम रहा है उसका भविष्य क्या हो सकता है। नहीं, चलिए उनको भी लगता है, वक्त वक्त पर सब एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं, लेकिन जो पहलू है इम्पोर्टेंट, वो पहलू मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि ये एक फैक्टर हो सकता है। और जम्मू कश्मीर में बात करें, एक सेक्शन ऐसा है जो बड़ा खफा है, जिनको लगता था कि 370 की आड़ में हमारे लैंड और जॉब प्रोटेक्ट थे, वो अब प्रोटेक्शन हमारे पास नहीं है, वो अगेंस्ट कंपेन करेंगे। लेकिन जो लोग ये चाहते थे कि एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए, किसी भी स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टेट का अलग से फ्लैग नहीं होना चाहिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था वो। जैसे मैं भी मतलब मेरी भी कुछ नेताओं से बातचीत हुई है, तो कुछ उनमें ऐसे हैं जो 370 को मतलब एक मूल अधिकार के तौर पर देख रहे हैं कि हाँ वो परमानेंट था, लेकिन संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है दिस इज टेम्पररी, मॉडिफिकेशन के तौर पर इम्प्लीमेंट किया गया था। नेहरू जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा 75 ईयर लग गए, तो ये मतलब इसकी आड़ में बहुत कुछ हुआ है। देखो आतंकवाद भी मुझे लगता है इसी की आड़ में था, पत्थरबाज खत्म हो चुके हैं, देखो जो सच है उसमें नजर डालनी चाहिए, उसको सामने लाना भी चाहिए, पत्रकार को काम यही है कि पत्थरबाज कहीं नजर नहीं आते हैं। और एक यूथ अलग ट्रैक पे, मैं देख रहा हूँ कि जम्मू से और कश्मीर से तमाम तरीके के युवा अलग अलग चीज में रिकॉर्ड बना रहे हैं, अपना फोकस अब सब चीजों पर कर पा रहे हैं। कुछ एक सेक्शन है जो कहता है कि ये दबाया गया है इसलिए पत्थरबाजी नहीं हो रही है, जब आर्मी हटेगी या कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, बहुत सारे यूथ को जब उनको छोड़ा जाएगा तो पत्थरबाजी दोबारा से हो सकती है। लेकिन जब हम कुछ वालदेन से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, तो उनका कहना है कि हम खुश हैं, स्कूल रेगुलर चल रहे हैं, हम खुश हैं, बाज़ार रेगुलर चल रहे हैं, हमें हड़ताल की कार नहीं देखनी पड़ती है, एक एक हफ्ता बाज़ार बंद रहते थे और कॉल की जाती थी, सोमवार को बाज़ार खुलेगा, बाकी पूरे हफ्ते बंद रहेगा। वो लोग इससे खुश है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और डोंट बिलीव कि बड़े जो जिनके पास असर रसू के चंद पैसे हैं उनके बच्चे कश्मीर में नहीं पढ़ते थे, उनके बच्चे दिल्ली में पढ़ते थे, यहाँ पर जोधामल में पढ़ते थे, हेरिटेज में पढ़ते थे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे, अब वो खुश हैं।
उनके स्कूल का स्टैंडर्ड था, लेकिन उनको ये लगता था कि स्कूल कितने दिन खुलेगा कितने दिन बंद रहेगा ये कोई गारंटी नहीं होती थी। इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं, तो कुछ लोग जो दूसरी प्रवृत्ति के हैं उनका ये मानना है कि दबाया गया है, सप्रेशन ज़्यादा देर नहीं चलती। दोनों पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरीके से 370 के बाद में जम्मू कश्मीर एक बैलेंसिंग स्टेज में भी है, लेकिन दूसरे लोगों की नज़र में देखा जाए तो एक जबरदस्ती भी रखा जा रहा है लोगों को। देखिए, उन्होंने ऐसे ही कहना है, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, वो अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहते हैं और वो सुर मिलाते हैं पाकिस्तान के साथ, और ऐसे सुर ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं। चलिए अब हम आपसे अपना आखिरी सवाल ले लेते हैं कि अभी उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आया था जी जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के, उनका ये कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव नहीं चाहती है, यानी कि 50% जनता भी अगर नोटा दबा देती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये उनका किस विभाग पर कहना है कि मतलब आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव चाहती है, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? सबसे पहले मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, चुनाव तो चुनाव आयोग ने करवाना है, लेकिन चाहत तो चाहत होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के मुताबिक जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो सच है, लोग चाहते हैं यहाँ पर चुनाव हो। और एलजी की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था, उसको शायद काउंटर किया हुआ उन्होंने, कि 80% लोग नहीं चाहते हैं कि जहाँ पर चुनाव हो, जो स्मूथली गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट रन कर रही है, वो बेहतरी कर रही है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का जो कहना है, मैं उससे सहमत हूँ कि लोग अब चाहते हैं कि एक हमारा चुना हुआ नुमाइंदा होना चाहिए जिसके घर में जा कर के नौक करके हम उसको अपनी दरख्वास्त दे सकें कि भाई साहब हमें ये इतना की दिक्कत पेश आ रही है। हालांकि जो बीजेपी के लोग हैं या जो इस वक्त रजीम काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं, हो चुके हैं, वहाँ अवेल है, पंचायत भी यहाँ पर अवेल, जिनकी कोई समस्या उनके पास जा सकते हैं। लेकिन लोग फिर भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, एक चुनी हुई सरकार आए और उस सरकार के अपने नुमाइंदे के समक्ष वो अपनी बात को रख सके। तो ये थे तमाम सवाल हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी से, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी सवालों का जवाब बड़ी स्थिरता और सरलता से जनता को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपके सवाल के जवाब आपको मिल गए और आगे भी जो भी सवाल होंगे आप हमें भेज सकते हैं। इसी तरीके से हम आपके सवालों को वरिष्ठ पत्रकारों से, वरिष्ठ नेताओं से करके आपके सवाल के जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन रेलवे न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।